हमारी एक दलित बहन जो औरंगाबाद महानगर पालिका में मस्जिद इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की विरोधी पक्ष नेता है सरिता अरुण बोडे, उन्होंने महानगर पालिका की सभा शुरू होने से पहले एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव ये था कि औरंगाबाद के नव निर्वाचित खासदार इम्तियाज अलीम का औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से स्वागत किया जाए। लेकिन शिवसेना की जहनीयत ऐसी थी, उन्होंने इसे कबूल नहीं किया और ये कहा कि हम खासदार इम्तियाज अलीम का स्वागत या सत्कार नहीं करेंगे। जिसके बाद बहुत बवाल हुआ और महानगर पालिका के इतिहास में पहली मरतबा एक बहुत ही छोटे से मुद्दे को लेकर शिवसेना के महापौर ने पुलिस को अंदर बुलाया और पुलिस को अंदर बुलाकर हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला गया, उनके ऊपर केस रजिस्टर किया गया, 22 कॉरपोरेटर्स। अब मैं मैदापुर की सरजमीन से शिवसेना के उस महापौर को और शिवसेना की पूरी पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि तुम मेरे सत्कार का प्रस्ताव कबूल करो या ना करो। शेर होने पर मैं क्या डर रहा हूं, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, 5 साल तुम्हारे सर के ऊपर बैठे हैं। तुम्हें अगर ये हजम नहीं हो रहा है, बड़े अब्बा आ गए, बड़े अब्बा, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना नरेंद्र मोदी की लहर पूरे मुल्क में 350 सीटें जीत चुके हैं, लेकिन अफसोस इस बात का सता रहा है कि औरंगाबाद कैसे हार गए। बहुत तकलीफ हो रही है, अभी बात और भी सुन लो, अगले 5 साल तक इस तकलीफ के साथ ही तुम्हें जीना है। वैसे तो महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा दोनों मिलाकर 48 में से 42 सीटें जीते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भी वो जश्न नहीं मना रहे क्योंकि औरंगाबाद कैसे हार गए, औरंगाबाद कैसे हार गए और इम्तियाज जलील कैसे जीत गया। तो इम्तियाज जलील ऐसे जीत गया, इम्तियाज जलील इन नौजवानों की वजह से जीता, वैजापुर के नौजवानों की वजह से, वैजापुर के बुजुर्गों की वजह से, और सबसे बढ़कर मैं आज इस मौके के ऊपर पूरे खुले दिल के साथ ये कहना चाहूंगा कि मेरी जीत के पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ और योगदान किसी का है तो वो माननीय प्रकाश अंबेडकर। मेरा दलित समाज, मेरा बहुजन समाज जिस ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ था वो आज एक एग्जाम्पल बन गया है, एक केस स्टडी बन गया है। इसीलिए जब पूछ रहे हैं मीडिया वाले मुझसे ये कैसे हो गया, कैसे जीत गए, तो मैं उन्हें एक जवाब देता हूं, 100 सोनार की, एक लोहार की। तुम्हें तकलीफ इस बात की है ना, 350 सीटें जीत कर ये औरंगाबाद कैसे हार गए हम। तो इसीलिए मैं आज ये शिवसेना वालों से कहूंगा कि तुम भले ही अपने हिसाब से ये समझ ले कि महानगर पालिका तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन ये लिख कर ले लो
महज 11 महीने ये सत्ता तुम्हारे हाथ में है, उसके बाद मेरा नीला और हरा झंडा मिल रहा है। और हाँ महापौर साहब, एक बात सुन लो, ये अगर हम नरेंद्र मोदी को ये कह सकते हैं कि मोदी अगर 350 सीटें लेकर आकर तुम ये समझ रहे हैं कि मुल्क अब मेरे हिसाब से चलेगा, या मुल्क अमित शाह जैसा चलाना चाहे वैसा चलेगा, या मोदी जैसा चलाना चाहे चलेगा, ये मुल्क अगर चलेगा तो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से। पहले तो सिर्फ एक ही शेरवानी से परेशान थे, अब दो रहे। बार बार पूछेगा मोदी अमित शाह से कितने आदमी है, कितने आदमी है, वो दो और तुम। इसीलिए मैं कहता हूं कि आंकड़े मायने नहीं रखते हैं, आंकड़े मायने नहीं रखते हैं, जंगल में शेरों की गिनती होती है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपरेटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अलबरकत होम अप्लायंसेस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड दिगलू नाका नांदेड़। नांदेड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहती है।